लिए जो बहन जी का जो निर्णय है कि हम न इनके साथ है न हम एनडीए के साथ होंगे न इंडिया के साथ होंगे, बहुजन समाज पार्टी अपना जो नीला रंग है आसमान का उसको बुलंद करेगी और इस बार पूरे बिहार में जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बहुजन समाज परिवार है, एकजुट है और एक एक वोट अपनी बहना के लिए देगा और अपनी बहना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देगा। ना हम एनडीए के साथ हैं, ना हम इंडिया के साथ हैं। हमारी पार्टी के झंडे की तरह ये नीला रंग हमारा आकाश में हमेशा ऊंचा रहेगा। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। ये बोल दरअसल बसपा के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार के हैं। अनिल कुमार जहानाबाद पहुंचे। जहानाबाद पहुंचने के साथ ही उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ना वो इंडिया का समर्थन कर रहे हैं, ना ही वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। उनकी जो मायावती जो हैं वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और प्रधानमंत्री बनकर लोगों को दिखाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बसपा जो है हमेशा से अति पिछड़े जाति जनजाति के लिए काम करते हुए आया है और आगे भी इसी के लिए वो काम करेगा। क्या कुछ अनिल कुमार कह रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। तो सर बताएंगे कि इसे बीएसपी अकेले चुनाव क्यों लड़ती है? देखिए, बीएसपी का चुनाव लड़ने का कारण अकेला है कि हम जो बहुजन समाज है उसका कल्याण चाहते हैं। बहन मायावती जी उसका कल्याण चाहती है और चाहती हैं कि जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया वो संविधान अक्षरशः लागू हो सके, लागू किया जा सके। बाबा साहब का ध्यान जो संविधान दिया हुआ था उस संविधान को कैसे लागू किया जाए, अगर ये कोई काम कर सकता है तो ये बहुजन समाज पार्टी कर सकता है। ये जो दोनों तरफ जो शंखनाद, ये जो दोनों तरफ जो डपोर संखी लोग जो हैं, इनसे कभी भी दलितों का, शोषितों का, वंचितों का कल्याण कभी ये नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो बहन जी का जो निर्णय है कि हम न इनके साथ हैं, न हम एनडीए के साथ होंगे, न इंडिया के साथ होंगे, बहुजन समाज पार्टी अपना जो नीला रंग है आसमान का उसको बुलंद करेगी और इस बार पूरे बिहार में जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बहुजन समाज परिवार है, एकजुट है और एक एक वोट अपनी बहना के लिए देगा और अपनी बहना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देगा। सर बहुत से लोग बोलते हैं कि बहन जी मिशन से भटक गए हैं, वैसे लोगों को आप कहना चाहेंगे? देखिए, जो कहता है ये आरएसएस का दलाल होगा और हमारे बीच में जो लोग अगर कुछ बैठे हैं और वो अगर कहते होंगे तो ये आरएसएस के दलाल लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बहुजन जलाओ पार्टी है, ये बहुजन जलाओ पार्टी के दलाल लोग हैं और जब बहुजन जलाओ पार्टी के दलाल लोग रहेंगे तो उनको बहुजन मिशन कैसे ठीक लगेगा और हमारी आदरणीय बहना कैसे ठीक लगेगी? तो उनकी बात करना बेईमानी है। हम सभी एक एक वोट जोड़ने के लिए लगे हैं, अपना एक एक बहुजन परिवार को जोड़ने के लिए लगे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि बहन मायावती जी के नेतृत्व में एक एक परिवार बहुजन का जुटेगा और उनको इस बार बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए हम लोग दिल्ली में। एक और क्वेश्चन सर, बहुजन समाज पार्टी के बहुत से नेता हैं या सब नेता ये बोलते हैं एक है नागनाथ, एक है सापनाथ, तो नागनाथ कौन है, सापनाथ कौन है? देखिए, नागनाथ और सापनाथ में क्या फर्क है, दोनों तो वही है। कौन है सर, कौन है दोनों? दोनों एक भारतीय जनता पार्टी जो बहुजन जलाओ पार्टी है, बीजेपी का नाम हमने बहुजन जलाओ पार्टी रखा कि हमेशा बहुजनों को जलाने का काम किया है और इसी के साथ नीतीश कुमार भी रहने का काम किया है। तो आज तक आपने देखा होगा कि जितने भी बहुजनों पर अत्याचार हुआ, दलितों पर अत्याचार हुआ, पिछड़ों पर अत्याचार हुआ, अति पिछड़ों पर अत्याचार हुआ, अगर एक एक नाम गिना देना कल तक भी नाम नहीं पूरा हो सकता। ये वही जहानाबाद की भूमि है, यहाँ न जाने कितने नरसंहार हुए, कितने दलितों की हत्या हुई और एक भी आदमी उसमें दोषी नहीं करार दिया गया। यही नीतीश कुमार की सरकार है और यही सांपनाथ और नागनाथ का देन है कि दोनों एक ही हैं, इससे बहुत फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए हम बहुजन समाज के लोगों का जहां भी हम पर अत्याचार हुआ है कभी भी न्याय नहीं दिलाने का इन दोनों ने मिलकर काम किया। देखिए, उन्होंने साफ बताया कि